अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंस्टेंट रागी का डोसा बना रही हूँ। चलिए रागी का डोसा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ मेजरिंग कप से हाफ कप रागी का आटा लिया है, फिंगर मिलेट का आटा। ये आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा। इसके अंदर 1/4 कप जितना बारीक रवा डाल दूंगी, सेमोलिना जो शीरा बनाते हैं ना वो वाला, 1/4 कप लिया है। इसके अंदर 1/4 कप जितना चावल का आटा डाल रही हूँ। प्याज डाल दूंगी 2 टेबलस्पून जितनी लीजिए, फाइनली चॉप करके ली हूँ। हरा धनिया डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जितना। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, उसे भी फाइनली चॉप कर लिया है, कोथिंबीर के साथ मिक्स हुआ है वो। 1 टी स्पून जितना हरी मिर्ची डाल रही हूँ, वो भी फाइनली चॉप कर लिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। जिस कप से मैंने रागी का आटा लिया है ना, उसी से ही पानी डाल के मिक्स कर लूंगी। पहले 1 कप डाल दूंगी, 1 कप मतलब ये हाफ कप ही है। जिस कप से मैंने रागी का आटा लिया है ना, वही कप से डाल रही हूँ। पहले 1 कप डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 2 कप डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लेंगे। खटास के लिए आप इसके अंदर आमचूर भी डाल सकते हैं। और 1/3 कप ली हूँ, पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए टोटली 3 कप डाला है मैंने, पूरा मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं पानी, टोटली 3.5 कप डाली हूँ, और देख के डाल लेंगे। गैस पे मैंने एक तवा रखा है, ये डोसा बनाने का तवा है, आयरन का, कास्ट आयरन का तवा है। इसे हल्का सा गर्म कर लिया है, इसे थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। प्याज को मैंने ऐसे हाफ में कट करके ऊपर टूथपिक लगा दिया है। हमारी अम्मी ऐसे ही लगाते हैं पैन को तेल, मैं भी वैसे ही लगा रही हूँ। कलाने के बाद रखना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डोसा बनाना ही स्टार्ट करना चाहिए। इसे डालने से पहले बहुत ही अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना चाहिए, आटा नीचे जाके बैठा हुआ आता है। अच्छे से मिक्स करके ऐसे लेके इस तरह से रफली डाल दीजिए। ऊपर कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए ढक के रखेंगे। उसके बाद प्लेट को निकाल लेंगे। अब प्लेट को निकाल लेंगे, हल्का सा तेल डाल देंगे वहाँ, यहाँ पे थोड़े ड्रॉप्स या फिर घी डाल दीजिए। अब इसे लूज कर लेंगे। ज़्यादा आपको क्रिस्पी चाहिए तो देर तक बनाइए, या फिर उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होना है तो जल्दी निकाल लीजिए। देखिए डोसा रेडी है, अब दूसरा डाल देंगे। ऐसे ही बाकी के डोसे भी बना लूँगी। देखिए मैंने डोसे को राउंड करके डाल दिया है दूसरा डोसा। ऊपर कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए ढक के रखेंगे इसे। देखिए 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, इसे हर तरफ से लूज कर लिया है, इस साइड भी सेक लेंगे। देखिए रागी का डोसा रेडी है, आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, खाने में बहुत ही यम्मी है। इसे चटनी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आम का छिंदो लिया है, जो मैंने आम का मुरब्बा बनाया इससे पहले मैंने वीडियो डाला है वो लिया है। इसके साथ बहुत ही मज़े का लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप सुन सकते हैं इसका साउंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।